मित्रों, आप सबों को नए साल की बहुत शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत भी यूपीए सरकार में एक भ्रष्टाचार के मामले की लीपापोती को लेकर हुई है। ये जो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील को कैंसिल किया गया है, ये मजबूरी में किया गया है। आज सरकार कह रही है कि इंटेग्रिटी क्लॉज का वायलेशन हुआ, तो जिस समय इंटेग्रिटी क्लॉज का वायलेशन हो रहा था, सरकार उस समय क्या कर रही थी? और अगर आज अगस्ता वेस्टलैंड डील कैंसिल हो गई है, तो जिनको पैसा दिया गया या जिनको पैसे देने की पेशकश की गई, उस कार्रवाई का क्या होगा, ये हम जानना चाहते हैं। इटली के मजिस्ट्रेट के सामने कई गंभीर बातें आई हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ये एपी का मतलब क्या है? ये फैमिली का मतलब क्या है? ये जो पेमेंट टू पॉलिटिकल हेड्स की बात सामने आई है, जो वहां आया है, उसमें फैमिली का नाम आया है, एपी का नाम ही आया है। तो जहां सरकार ने मजबूरी में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की डील को कैंसिल किया है, वहीं पर हम ये मांग करना चाहेंगे कि जो पॉलिटिकल पेमेंट हुए हैं या बाकी पेमेंट हुई हैं एज स्लश मनी या डील मनी, इसका इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं होना चाहिए। और हम एक और बड़ी बात उठाना चाहते हैं, इस सरकार में ऐसा क्या है कि जहां एक ओर देश की सेना को वेपन चाहिए, फाइटर प्लेन्स चाहिए, एम्युनिशन चाहिए, बोफोर्स के बाद हम कोई आज तक बड़ा कोई दूर तक मार करने वाली बंदूक नहीं ला पाए, और जो भी डील होता है उसी में धंधेबाजी होती है, तो क्या हम ये मानकर चलें कि मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अगुवाई में जो 950 से सरकार चल रही है, उसमें सेना में जो भी डील होगी उसमें घपले होंगे जो बाद में सामने आएगी, और फिर उनको कैंसिल करना पड़ेगा या इंक्वायरी होगी? तो शायद यूपीए की सरकार में देश की सेना के लिए जो आवश्यक आयुध चाहिए, उसके लिए कोई ईमानदार प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकता। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम ये डिमांड करना चाहेंगे कि अगस्ता वेस्टलैंड में जिनको जिनको भी पेमेंट हुआ है, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। भारत सरकार ये बताए कि समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आपको याद होगा, अगस्ता वेस्टलैंड में हमने संसद में उठाया था इस विषय को कि इनकम टैक्स ने इंक्वायरी करने की पहल की थी, उनको रोका गया। बाद में जब ये विषय इटली में उठा, तब विपक्ष ने और मीडिया ने उठाया, तब सरकार ने कुछ इंक्वायरी करने की बात कही। तो शुरू से ये सरकार अगस्ता वेस्टलैंड डील को दबाने की कोशिश कर रही थी। और एक अजीब संयोग है कि बोफोर्स का भी एक इटालियन एंगल था। आप जानते हैं मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूं, मैं ओतावियो कोत्रोकी की बात कर रहा हूं। अगस्ता वेस्टलैंड में भी एक इटालियन कनेक्शन है। यह बहुत दुख की बात है, चिंता की बात है, और हम ये मांग करेंगे कि प्रॉपर कार्रवाई हो। फ्रेंड्स, वाइल द बीजेपी नोट्स द कैंसिलेशन ऑफ अगस्ता वेस्टलैंड डील, द एब्रप्ट कैंसिलेशन ऑफ द डील शुड नॉट लीड टू स्टॉपेज इन टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ द स्लश मनी। मेनी नेम्स हैव क्रॉप्ड अप इन रोम कोर्ट फ्रॉम दोज मिडलमैन अंडर पेमेंट अंडर पोलिटिकल हेड्स। वॉट इज द मीनिंग ऑफ एपी? What is the meaning of family? These are serious questions. Secondly, why was attempts not made at the very beginning to stop any violation of integrity clause? We would like to ask a question that earlier the income tax wanted to investigate the matter. The government did not permit. When we raised the issue in the parliament, the government tried to play it down. When the matter erupted in Italy, only thereafter the government was constrained to take action. Who was trying to save whom?
And the second is a larger question. The armed forces badly need weapons. They need ammunitions. The Air Force needs fighter jets. But why is it that in the last nearly 8 years, 9 years, any transaction relating to supply in the armed forces or the defense has to have some kind of a scandal? Why? Can the UPA government led by Manmohan Singh and advised by Sonia Jain, Rahul Gandhi cannot have a fair deal at all? Therefore, India is suffering the double whammy in a way. Forces want weapons. After Beaufort, we do not have any powerful guns. But whenever anything is done, suddenly we have the case of slush money, bribe, middleman operating. I'm sorry to say, middlemen have become the most dominant force in the entire governance record of the UPA government. It is a matter of great sorrow. But yes, the BJP would like to reiterate that even though Agustawestland deal has been cancelled, we would like a proper investigation into the role of middlemen. Who paid whom, who shielded whom, must be explained. Thank you. Sir, on Ganguly case, sir, do you think the cabinet plans to take it up? वीरभद्र सिंह के मामले में नया खुलासा सामने आया है. आज एक अखबार में ये बात सामने आई है कि जब उस कंपनी को एक्सटेंशन दिया गया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उसने उसके पहले वीरभद्र सिंह को की पत्नी को 60 लाख रुपए का एडिशनल पेमेंट किया गया है. अब वो लोन है क्या है, ये सब बातें आज विस्तार से मीडिया में छपी हैं. पहले भी ये बात हमारे वरिष्ठ नेता अरुण जेटली जी ने उठाई है कि क्लियर केस ऑफ क्विड प्रो को है कि जो कंपनी बार बार एक्सटेंशन के बावजूद काम नहीं पूरा की, उसको एक्सटेंशन दिया गया और उस एक्सटेंशन के बाद शेयर भी उस कंपनी के दूसरी कंपनी के परिवार को आते हैं, अनसिक्योर्ड लोन करोड़ों में दिए जाते हैं. और अब यह नया चैप्टर आया है कि फाइनल एक्सटेंशन के बाद के आसपास मुख्यमंत्री की पत्नी को 60 लाख रुपए दिए गए हैं. रोज परत दर परत खुल रही है. यह भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है और बीजेपी मांग करती है कि राहुल गांधी जिनमें एकाएक शुचिता और पारदर्शिता की आग की जागृति हुई है, तो हम राहुल गांधी से एक सवाल पूछना चाहेंगे. राहुल गांधी जी, आप 2G पे खामोश रहे. राहुल गांधी जी, आप कोलगेट पे खामोश रहे. राहुल गांधी जी, आप कॉमनवेल्थ पे खामोश रहे. क्या आप वीरभद्र सिंह के मामले में जो भ्रष्टाचार की परत दर परत रोज खुल रही है, कार्रवाई करेंगे? ये भाजपा जानना चाहती है, क्योंकि अरुण जेटली जी ने अपनी चिट्ठी में सारे डॉक्यूमेंट्स को रखा है और आज मीडिया में नए डॉक्यूमेंट सामने में आए. ये बहुत ही गंभीर विषय है. रवि जी, एक सवाल. रवि जी, रविशंकर जी, पश्चिम बंगाल में एक पहले रेप हुआ, फिर रेप हुआ, उसको जला दिया गया, ये बंगाल के निर्भया कांड पर क्या कहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. जिस तरह से वो घटना हुई है उसकी हम भर्त्सना करते हैं. अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की, दुर्भाग्यपूर्ण है. हम मांग करेंगे उसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. ये विषय CPM और तृणमूल के बीच फुटबॉल नहीं बनना चाहिए. ये विषय है एक युवती के साथ नृशंस बलात्कार और हत्या के जलाए जाने की. हम मांग करेंगे इसमें ईमानदारी से जांच हो, जो दोषी हो उनको पकड़ा जाए, और अगर पुलिस ने समय से कार्रवाई नहीं किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. सर, ऑन गांगुली केस, यू थिंक देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ डिले, गोस टू द कैबिनेट फाइनली एंड प्रेसिडेंट, बट डू यू थिंक द गवर्नमेंट हैज बीन स्लो एज फार एज गांगुली का केस इज कंसर्न? एज फार एज गांगुली केस इज कंसर्न, सुषमा जी एंड अरुण जी हैव ऑलरेडी पब्लिकली डिमांड ही मस्ट रिजाइन. इफ ही हैजंट रिजाइन, वी फील सॉरी दैट अ जज हु हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ought to have at least ensured the moral accountability part of it. The legal part is a different matter altogether. Now we hope in the light of recommendations the government will take appropriate action. But for a Supreme Court judge of eminence
to suffer this kind of proceeding is a very disturbing tale on the current state of affairs. I would take the opportunity again today to urge Justice Ganguly to resign. I think he would enhance the stature of the institution which he has served so with so much distinction. दिग्विजय सिंह को देश गंभीरता से नहीं लेता, उनकी पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती, मध्य प्रदेश उनको गंभीरता से नहीं लेता, उनकी पार्टी का सफाया होगा हो गया, इस पर उनको कुछ नहीं बोलना है। अब रोज अगर मीडिया में रहने के लिए दिग्विजय सिंह नई नई कहानियां गढ़ते हैं तो उनका उत्तर देके मैं उनको सम्मानित नहीं करना चाहता।